We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. POS मशीन में ज्यादा आवंटन डाले जाने के विरोध में राशन विक्रेता संघ बंडा और शाहगढ़ ने शुक्रवार को POS मशीनों को हाथ ठेला पर रखकर नगर के मुख्य मार्ग पर रैली निकाली और उसे जमा करने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि POS मशीन में अतिरिक्त आवंटन डाला जा रहा है, जिससे विक्रेता स्टॉक नहीं मिल पा रहे हैं, तत्काल इसे सुधारा जाए। राशन दुकानों पर पदस्थ विक्रेता और सहायक को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 181 पर की जा रही लगातार शिकायतों का निराकरण विभागीय स्तर पर किया जाए, क्योंकि जनपद और नगर परिषद द्वारा पर्ची जारी की जाती है, जिसका जवाबदार उन्हीं विभागों को माना जाए। पिछले कई महीने से स्टॉक का मिलान नहीं कर पा रहे हैं, आवंटन पूरा दिया जाना सुनिश्चित करें। यदि जल्द ही इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिला और प्रदेश स्तर पर संगठन के आह्वान पर आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही वितरण व्यवस्था को पूरी तरह बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिससे अन्य उत्सव जो 7 तारीख को निर्धारित है, इसके संपन्न न होने की विक्रेता समिति की जवाबदारी नहीं होगी। बंडा एवं सागर ब्लॉक के विक्रेता संघ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारा जो राशन है पात्रता पर्चियों के आधार पर नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोगों को गांव में वितरण करने में असुविधा होती है और हमारा राशन पूरा दिया जाए, हम कर्मचारियों की भांति हम लोगों को नियमित किया जाए और हम लोग अगर ऐसा नहीं होता है तो राशन बांटना बंद कर देंगे। पात्रता पर्ची और आपकी पीओसी मशीन की में विसंगतियां आई हैं, जी किस इसमें क्या कहना है आपका? हमारे ये है कि जितना हमारे लिए पात्रता पर्ची जारी की है जिस दुकान को, उतना आवंटन दिया जाए, हम लोग काम करने को तैयार। कभी 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 राशन लेने की स्थिति में उपभोक्ता और दुकानदारों के बीच में क्या कभी विवाद होता है? हाँ बिल्कुल होता है, जिसको हम मना करेंगे कि राशन खत्म हो गया तो विवाद तो होगा, 181 पे शिकायत होंगी और हम लोग उसको दंडित होते हैं। इस ज्ञापन के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, अगर सुधार नहीं होगा तो हम अनुसार नहीं मनाएंगे और बंद रखेंगे वो जो मशीनें हैं, जो पीओएस मशीन आज तहसील कार्यालय में जमा करने को लाए। खाद्य विभाग की राशन दुकानों के विक्रेता संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनने कुछ अपनी मांगे लिखी। हेलो, पहुँच गया सर, थाने आ गए आप? POS मशीन में अतिरिक्त आवंटन से संबंधित मांग है और 181 CM हेल्पलाइन के संबंध में उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए संबंध में मांग है। उनकी मांगों का ज्ञापन ले लिया गया है, उनकी मांगों को शासन की ओर प्रेषित किया जाए। POS मशीन जमा करने आए थे सब? हाँ, POS मशीन जमा करने आए हैं वो सर। ले ली क्या? नहीं, POS मशीन ऐसे हस्तांतरित नहीं की जाती है। खाद्य विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि संबंध में उचित कार्रवाई करें। सर, अन्य उत्सव कार्यक्रम नहीं मनाने का भी उन्होंने चेतावनी दी, हम लोग नहीं मनाएंगे। हाँ, ज्ञापन में लिखा है उन्होंने कि 7 तारीख को होने वाला अन्य उत्सव वो नहीं मनाएंगे। बंडा से रवि सेन के साथ सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज। वी नर्चर विद केयर, डेवलपिंग द विजन एंड डिटरमिनेशन। वी शेप द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वी आर Great Men International School.